ये देखो ये कितना छोटा कुत्ता है, इधर छोटा सा कुत्ता, ये ही तीन पैर पे चल रहा है, एक पैर में उसके दर्द हो गया चलते चलते। क्या हाल चाल कहते हो? मैं निकल गया बाहर, शॉपिंग वाला दिन है, ठंडी ठंडी हवा चल रही, मौसम जो है वो चिली हो रहा है पूरा एकदम। आज है थोड़ा शॉपिंग का दिन, मेरे पास इंस्टा, यार इतनी दिक्कत हो रही है रिकॉर्डिंग में, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना, क्या बताऊँ। जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ बस हवा चलने लगती है, तो हवा की वजह से ना आवाज़ सही नहीं आती, तो उसके लिए वॉइस ओवर करना पड़ता था। तो मैं ऐसे प्लेस ढूंढ रहा था जहाँ पर ऐसे हवा न चले। तो गाइस सीन ऐसा था कि मुझे इंस्टा एक्सरी खरीदना था, बहुत दिन से मैंने सोच रखा था। तो यहाँ पर एक शॉप है CEX नाम का, उसमें जाऊँगा मैं खरीदूँगा, और प्राइस लगभग 50,000 मैंने कैश ही ले लिया है, वैसे कार्ड भी लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कार्ड भी स्वाइप कर दूंगा, लेकिन वैसे मैंने कैश ले लिया है। 50-50 पाउंड के नोट ले लिए, 20-20 पाउंड के नोट ले लिए। तो चलते हैं गाइस ख़रीदते हैं, क्योंकि उससे ना व्लॉगिंग का जो है वो डायमेंशन चेंज हो जाएगा, पूरा 360 में रिकॉर्ड होगा और सब कुछ अच्छा होगा। ओके सो लेट्स गो गाइस, शॉप में चलते हैं, देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं उनके पास, अगर वहाँ नहीं हुआ तो कहीं और जाना पड़ेगा फिर। लेट्स गो। बहुत ज़्यादा विंडी होने की वजह से ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं क्वाइट जगह ढूंढ रहा था, तो ये जगह अच्छी है, कवर्ड है थोड़ा सा, तो यहाँ पर विंड नहीं है तो मैं व्लॉगिंग कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत समस्या हो जाती है कि अगर आपको विंड बहुत ज़्यादा होगा ना तो व्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो कोई इंडियन होता ऐसा देखता है ना हमको क्या कर रहा है ये। ठीक है चलो गाइस चलते हैं शॉपिंग के लिए। मेरे पास ना इंस्टा 360 का कैमरा था, जो कि मेरा थाईलैंड में ख़राब हो गया था, लेके मैं समंदर में कूद गया था, वाटरप्रूफ था लेकिन पानी घुस गया, बैटरी ख़राब हो गई, काम नहीं करता है। तो मुझे इंस्टा एक्सरी पर बहुत पहले से नज़र थी, तो मुझे ख़रीदना था, तो मैं सोचा था कि यूके जाके खरीदूंगा, लेकिन फिर मैंने टाल दिया कि नहीं करता। लेकिन अब ज़रूरत हो गई है, 360 का बहुत ज़रूरत है व्लॉगिंग के लिए, जानते ही हो, उसमें अमेजिंग फुटेज आते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ खरीदूँ, तो मैं इधर निकला हूँ, बगल में ही है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर में, तो एक CEX नाम का शॉप है, वहाँ जाएंगे और ख़रीदेंगे। तो आज का हमारा यही टारगेट है शॉपिंग, इंस्टा 360 X3। ये हम शॉपिंग सेंटर ब्लैकपूल में घुस गए, यहाँ पर तो बहुत सारे चीज़ें भाई, टोपी ओपी का पूरा शॉप है, लिड्स का देखो, वारेन जेम्स ज्वेलरी शॉप, O2 मोबाइल है क्या, रोम अंदर गूगल पिक्सल 7 प्रो भी मिल रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ भी आऊँगा और देखूँगा कितने प्राइस में मिल रहा है गूगल पिक्सल। BT टैबलेट वाला सेक्शन है ये, नहीं यार ये सही जगह है यार शॉपिंग सेंटर। ये देखो 3 मोबाइल, इसी का एक बंदा पूछ रहा था कि आपने किसका वो लिया है, सिम किसका लिया है, तो भाई मैंने 3 मोबाइल का सिम लिया है, 35 पाउंड का मेरा महीने का, अनलिमिटेड 5G है, अच्छी स्पीड आती है, मैं 4G में ही चला रहा हूँ, तो मेरा 100 MBPS से ऊपर आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड लगभग 20-25 देता है, तो मेरा काम हो जाता है, तो मेरा वही है पैकेज 3 मोबाइल। यहाँ का कवरेज बहुत अच्छा है 3 मोबाइल का, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर ब्लैकपूल में। ये वाला शॉप है गाइस, इंटरटेनमेंट CEX एक्सचेंज vbuy.com, यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो, तो यहीं जाके देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो काम अपना हो जाएगा। लेट्स गो। तो गेम का सीडी का सारी सबन, इधर मोबाइल फोन्स भी हैं बहुत सारे, देखो कितना सारा इंस्टा X3, आई हैव टू आस्क, पूछते हैं रुक जाओ। ये देखो गाइस इसमें PS मिला है, PS4 बहुत सारा, PS4 है इसमें, PS5 एक भी नहीं देखा मुझे, PS3 भी है नीचे, PS2 भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है ना कि सब कुछ जो है यूज्ड मिल रहा है, नथिंग इज़ लाइक न्यू। यहाँ पर हम नहीं खरीदेंगे कैमरा, दूसरी जगह जाएंगे, जहाँ मुझे जाना है अभी नई जगह जहाँ पर मिलेगा इंस्टा 360, उसका नाम है करीज, वो यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है, तो कैब करना पड़ेगा, पहली बार कैब करेंगे। ओके बीच में ये भाई हवा बंद हो जाए ना तो कुछ करें, हम कान में ठंड लग रही। हाँ मैं बता रहा था कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, इधर साइड भी हम लोग चलते हैं। भाई मैं घर से ऊबर कर रहा था और हो ही नहीं रहा है, आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, कोई ले ही नहीं रहा, फाइनली किसी ने लिया है भाई, 11 मिनट में आ रही है कैब, आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, अजीब हालत है यहाँ पर, पता नहीं ऊबर इतना ज़्यादा नहीं चलता क्या, दूसरा भी हम देखें तो इस एरिया में सर्विस नहीं, जबकि ब्लैकपूल तो काफ़ी एकदम पार्टी वाला एरिया है। आई डोंट नो, नेक्स्ट टाइम से ना ट्रैम और उससे ट्रैवल करेंगे, कैब नहीं चलेंगे, देख लेंगे टिकट विकेट कैसे होता है। और वैसे मैंने अभी देखा था कि ट्रैम से जो ट्रैवल है
उसमें थोड़ा सा चलना पड़ रहा था, लाइक 2-2.5 किलोमीटर, तो क्यों चलेंगे जब कैब खरीद रहे हैं? तो फिर नेक्स्ट टाइम कहीं जाना होगा ना, तो हम लोग वही करते हैं गाइस, बस या फिर ट्रैम से ट्रैवल करेंगे, बेस्ट रहेगा। तो गाइस हम लोगों की कैब आ गई और हम लोग निकल गए, और मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट लगेगा पहुँचने में। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। गाइस हम करीज में आ गए हैं, ये देखो, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर। और 15 मिनट लगा आने में, लेकिन 8 पाउंड लगे, 800 रुपये, है ना। ऐसा करते हैं कि चलते हैं स्टोर के अंदर और देखते हैं कि है कि नहीं सामान, है ना। लेट्स गो यार, ये तो बहुत बड़ा है भाई, सब कुछ है यहाँ पर, पूरा एकदम शॉपिंग मॉल टाइप का है, देख रहे हो। यहाँ पर सारे कैमरे वैमरे सब कुछ है यहाँ। और यार ये मेरे पास है देखो, ऑस्मो टू, DJI पॉकेट 2, ये तो मेरे पास है पहले से, Action 3 कैमरा इधर ही मिल जाएगा हमको। ये देखो ड्रोन्स पड़े हुए हैं, ये देखो DJI के ड्रोन्स हैं, DJI Mavic 3। कितना का मिल रहा है? 728 पाउंड का मिल रहा है, वेरी नाइस। गाइस सबसे बड़ी सिचुएशन ये होगी कि कैमरा तो था नहीं यहाँ पर अवेलेबल, बोल रहे थे 3-4 दिन में डिलीवर करवा देंगे, लेकिन स्टिक साथ में नहीं दे रहे, बिना स्टिक के कैमरा का कोई यूज़ नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ से हम बिना कुछ लिए चले जाएँगे, ओके, कोई उपाय नहीं, निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन ये स्टोर बहुत कूल है यार, यहाँ पर देखो सब ड्राइविंग व्हील भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, गेमिंग का पूरा एकदम सेटअप वेटअप, सामान वामान सब कुछ रखा हुआ है, देख लो, देखो मज़ेदार है यार। चेयर वेयर भी है देखो, 179, देखो हेडफोन वेडफोन भी रखा हुआ है, मस्त लग रहा है। दिस इज़ अ वेरी कूल स्टोर। इधर एक्सबॉक्स भी नहीं है लगता है, ख़त्म हो गया, ये देखो, क्योंकि यहीं पर सिस्टम तो यहीं रखना चाहिए ना, कंसोल तो है नहीं। ये देखो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक की सीडी मिल रही है 43.99 पाउंड में, मतलब लगभग कितने 4500 रुपये में। और FIFA 23 मिल रहा है 4700 रुपये में। मोर गेम्स अवेलेबल, होराइजन कितना मिल रहा है 47, हॉगवर्ट्स मिल रहा है 64, कितना महंगा है हॉगवर्ट्स भाई। गाइस ये 98 इंच का टीवी देखो कितना बड़ा होता है, खतरनाक लग रहा है भाई, न्यू सरप्राइज योर एंटरटेनमेंट टीवी वी, ज़बरदस्त लग रहा है, लुकिंग अमेजिंग। ये कितना इंच का है? 2023 24.99, 2.5 लाख रुपये का है, LG का। ये सोनी तो अलग ही क्वालिटी है भाई, सोनी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, गजब लग रहा है यार, वाव। कहीं शॉपिंग तो नहीं हो पाई और भूख लग रही है, घर में जाके कुछ बनाना खाने का मन नहीं कर रहा, तो सोच रहे हैं मैकडी है बगल में तो खा लेते हैं जाके, है ना। ये वाली है गए मैकडी, और इधर हम गए थे शॉपिंग करने के लिए, बाहर बैठ के कौन खाएगा, बहुत हवा चल रहा है। गाइस कॉइन का हम बता रहे थे, कॉइन पाई कैसे पहचानते हैं, देखो ये इसमें लिखा हुआ है 2 पाउंड, सब में दिखा रहता है, तो जो गोल्ड कलर का होता है ना, जैसे इसमें देखो गोल्डन कलर, सिल्वर प्लस गोल्ड, तो ये होता है बड़ा डिनोमिनेशन, जैसे ये 2 पाउंड है, ये 1 पाउंड है, ठीक है। और ये सिल्वर है, ये 50 लिखा हुआ है, ये 50 पेंस है, मतलब 50 रुपया इंडिया का, $0.5, या 0.5 पाउंड, ये 1 पाउंड, ये 2 पाउंड, 0.5, ये है 10, दिस इज़ 10 पाउंड, 10 पेंस, मतलब 0.1 पाउंड, और ये है 0.2 पाउंड, लाइक 20 पेंस, ये है 2 पेंस, मतलब हमारा 2 रुपया, और ये 1 पेंस, मतलब हमारा 1 रुपया, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ऐसा है। गैस आ गया मेरा, देखो ये मैक स्पाइसी मंगाया मैंने, बर्गर और चिकन नगेट्स हैं, ये देखो बहुत सारे चिकन नगेट्स हैं, फ्रेंच फ्राइज है, ड्रिंक है, पीते हैं, मज़ा करते हैं, खाते हैं। यहाँ का एक चीज़ अच्छा है कि फ्रेंच फ्राइज है गाइस, फिश एंड चिप्स में जो चिप्स आता है ना, ऐसे ही ऐसा नहीं होता, फिर मोटा मोटा आलू होता है।
गाइस मैंने कैब कर ली थी, ये वाली सामने वाली जो फोर्ड वाली कैब है वही है हमारी, उसी में चलते हैं। तो सीन ऐसा हो गया कि मेरा अभी तक मोजो अकाउंट आया नहीं है, मतलब मोजो का कार्ड, तो मैं अगर उससे परचेज करता तो मेरे को पैसे नहीं लगते ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अब लगता है कि 2-3 हज़ार रुपये लगाना ही पड़ जाएगा एक्स्ट्रा खरीदने के लिए। मतलब पहले 2 हज़ार रुपये हम कल कैब में लगा दिए, जाके हम स्टोर में देखे वहाँ मिला ही नहीं, गजब स्थिति है भाई। वैसे 4-5 दिन में वो लोग डिलीवर भी कर देते हैं, लेकिन उनके डिलीवरी में प्रॉब्लम क्या है कि वो स्टिक नहीं दे रहे, विदाउट स्टिक कोई काम नहीं है एक्सरे का, ये भारी समस्या में पड़े हुए हैं, लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा लगा देंगे। होता क्या है कि 1-2 हज़ार रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब आप शॉपिंग कर रहे होते हैं तो किफ़ायती देखते हो कि भाई मेरे को ये वाला प्रोडक्ट 46,000 में मिल रहा है, अब इसको लेने में अगर मेरे को और 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पड़ जाए तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है, 57,000 इज लाइक टू कॉस्टली। तो वही आप थोड़ा थोड़ा देखते हो कि कैसे मिनिमम में लिया जा सके। खैर ठीक है।